दिल्ली से हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस में भारी कटौती का आदेश दिया है, जिसका सीधा असर हवाई किराए पर भी पड़ेगा। डीजीसीए ने यह आदेश दिल्ली एयरपोर्ट के लिए जारी किया है। इसमें घरेलू उड़ानों पर अब सिर्फ ₹10 एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस वसूली जाएगी, जो अब तक ₹578 हुआ करती थी। यानी दिल्ली से घरेलू उड़ान ₹500 तक सस्ती हो जाएगी। वहीं इंटरनेशनल उड़ान के लिए लगने वाले एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस को सिर्फ ₹45 करने का आदेश दिया, जबकि अभी तक ₹1,335 वसूले जाते थे। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट ने फैसले को चैलेंज करने की बात कही है। दिल्ली एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस में कटौती से नाखुश है। और समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, डेवलपमेंट फीस कम की गई है, यानी कि किराया कम हो जाएगा, अगर यात्रियों के लिहाज से देखें तो कितनी बड़ी राहत? ये जरूर है कि यूजर डेवलपमेंट फीस, जो कि अगर आप देखें आपके हवाई किराए में एक अहम कंपोनेंट होता है, जिसके इसमें कटौती करने का जो फैसला है वो एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके हवाई किराए में किसी भी कंपोनेंट में कटौती होती है तो आपका किराया भी कम हो जाएगा, और हवाई किराए में जो दिल्ली से अगर आप उड़ान भरते हैं तो उसमें आपको ज़रूर ये राहत मिलेगी, आपका हवाई किराया कुछ कम होगा। लेकिन ये भी है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट के संचालक हैं, जो जेएमआर ग्रुप है, वो इस फैसले से फिलहाल नाखुश नजर आ रही है, और ये भी है कि आने वाले वक्त में वो इस फैसले को लेकर अपनी आवाज़ उठाए, डीजीसीए तक अपनी बात रखे, तो वो आगे का अपना रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो फिलहाल कदम डीजीसीए ने उठाया है उससे फ़ायदा हवाई यात्रियों को मिलेगा। जो डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं उनको ₹10 तक ही UDF देना होगा, जबकि इंटरनेशनल फ्लायर्स को ₹45 तक ही देना होगा। तो ये एक राहत भरी खबर, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से करते हैं तो आपका हवाई किराए में एक बेहतर कटौती होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। समीर, सब जानकारी के लिए, तो हवाई किराए में अब कटौती होगी क्योंकि यूजर डेवलपमेंट फीस जो है वो कम की गई है डीजीसीए की तरफ से।